नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी का अपना पदभार मिल चुका है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन एक पद अभी भी खाली है और वो पद है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्योंकि अब जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो तय है कि अब कोई नया चेहरा भाजपा की पहचान बनेगा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से वापसी के बाद भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन वो कौन होगा इस बात को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए कैसे इस बार इस पद के लिए भी मचने वाली है घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, जिसमें एक भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह ने उन्हें केंद्रीय मंत्रालय की नई जिम्मेदारी दी है। जेपी नड्डा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हर जगह बस यही सवाल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन है इस रेस में शामिल। पार्टी अध्यक्ष बनने की रेस में भाजपा के कई कद्दावर नेता शामिल हैं, लेकिन इस रेस में कई बड़े नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें भाजपा महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौड़ में पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर के लक्ष्मण, ओम माथुर और बीएल संतोष भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस रेस में अमेठी से हारी स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आ रहा है और ये दमदार दावेदार इसलिए माने जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई सभाओं में महिला वोटर्स की वकालत करते आए हैं। उन्होंने अपनी लगातार 3 बार की जीत में महिलाओं की भूमिका भी मानी है। अमेठी की पूर्व सांसद रही स्मृति को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष के लिए उनका नाम भी आगे चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष बन सकती हैं। देखा जाए तो आम चुनाव में यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में औसत प्रदर्शन के कारण भाजपा बहुमत से चूक गई है। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष को बहुत सूझबूझ के साथ चुनना होगा, क्योंकि नया अध्यक्ष ही पार्टी की स्थिति को दोबारा सही कर सकता है। इसके अलावा इसी साल झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। वहीं 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अगर भाजपा ने दमदार अध्यक्ष नहीं चुना तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और अगर सही अध्यक्ष मिल गया तो भाजपा को फिर से नई संजीवनी मिल सकती है। फिलहाल क्या कुछ होगा आगे, ये तो वक्त तय करेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।